प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग स्टडी कर रहे थे चेंज ऑफ वॉइस और आज हम स्टडी कर रहे हैं सी कैटेगरी के फोर्थ रूल को, हाउ टू सॉल्व इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस जिसमें ए कैटेगरी के रूल्स, बी कैटेगरी के रूल्स और सी कैटेगरी के तीन रूल बताए गए थे नहीं देखी हैं तो कृपया वह अवश्य देख लें, उससे आज का जो लेसन है वो इजिली आपको समझ आ जाएगा। तो एक और रिक्वेस्ट थी आपसे कि मैं वह भाषा यूज करता हूं इंग्लिश में जो हमारे भारतीय यूज करते हैं। अगर सही प्रोनंसिएशन देखें तो वह मेरी भाषा की सही प्रोनंसिएशन नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं एफ ओ आर फॉर, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं और बहुत सारे हमारे भारतीय 98% ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनंसिएशन है वो फॉर नहीं है, वो है फो। फो र का प्रोनाउंस नहीं करते पूरी तरह, फो। तो फिर भी मैं क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं इसलिए मैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो आम पब्लिक की लैंग्वेज है। तो उम्मीद है कि आप यह बात मेरी समझ चुके होंगे। तो आज का नियम स्टडी करते हैं, सी कैटेगरी का फोर्थ रूल। सी कैटेगरी का फोर्थ रूल है हाउ टू सॉल्व इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किन सेंटेंसेस को हम कहते हैं। जो सेंटेंसेस किसी भी वर्ब की फॉर्म से शुरू हो, किसी के मतलब पहली फॉर्म से ही होता है आमतौर पर, तो पहली फॉर्म से अगर वाक्य शुरू हो तो वह वाक्य जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे शट द विंडो, ओपन द डोर, तो इसमें कोई व्यक्ति हमें कहता है कि यह काम करो, ओपन द डोर, तो कोई व्यक्ति हमें हुक्म भी दे सकता है और विनती भी कर सकता है। अगर वह विनती कर रहा है तो ऐसा समझो कि हमने रिक्वेस्ट वर्ड को यूज करना है, और अगर हुक्म दे रहा है तो ऑर्डर्ड शब्द को यूज करना है। तो चलो पहले यह देख लेते हैं, शट द डोर, इसको दो तरीकों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला तरीका, रूल भी बताऊंगा, पहले हम एक वाक्य बना लेते हैं ताकि आपको रूल में दिक्कत ना हो। तो ये है लेट वाला, लेट। फिर जो फॉर्म के बाद का ऑब्जेक्ट दिया है उसको ले लो, लेट द विंडोज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अपने पास जब इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें अपने पास से बी यूज कर लेना, लेट द विंडोज बी, और ये जो फॉर्म है पहली होगी इसकी तीसरी फॉर्म कर देनी है हमें। तो शट 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 तीसरी भी वही आ गई, लेकिन यहां हमने क्या करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म कर देनी है। यहां पहली होगी, यहां वी वन होगी, यहां वी थ्री कर देनी है, लेट ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी फिर शट। इसका रूल भी मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है इसका और क्या सोल्यूशन है, मान लें कि आपको किसी ने विनती की है, आपसे कहा है शट द विंडोज, मान लीजिए हमने मानना ही है, हुक्म भी मान सकते हो, अगर हुक्म मानेंगे तब भी है इसका सोल्यूशन, और अगर विनती मान लेंगे तब भी। अब मान लो कि किसी ने रिक्वेस्ट की है तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर हुक्म दिया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट, बाकी का जो वाक्य था वह सारा वैसे लिख दो। तो किसी ने कहा था खिड़कियां बंद कर दो, तो उसने मान लीजिए कि आपसे रिक्वेस्ट की है, आपको प्लीज कह दिया, तो उसमें हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वही वाक्य आपने लिख देना है। ये भी सिंपल है, इजी है। और अगर लेट के साथ बनाना चाहते हो तो लेट, फिर द विंडोज यानी कि ऑब्जेक्ट बी अपने पास से लगाना है,
और उसके बाद जो फॉर्म थी उसकी तीसरी फॉर्म कर देंगे। एक वाक्य और लेते हैं फिर आपको रूल बता देंगे। वर्क हार्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसको इस दूसरे तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। हमें किसी ने शिक्षा दी है कि आप सख्त मेहनत करो, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब इसमें ऑर्डर जचता नहीं है, लग सकता है, गलत नहीं होगा, लग सकता है, क्योंकि कोई टीचर कहता है तो उसका हुक्म हो गया, ठीक है जी। डोंट डू नॉट रन फास्ट, ये एग्जांपल मैंने ली है, अगर किसी चीज से मना किया गया हो तो तब क्या कैसे हमने सोल्यूशन करना है। इसमें भी दो जो मेथड है, फर्स्ट मेथड बताता हूं आपको, इसका जो पैसिव वॉइस बनाना है उसका फर्स्ट मेथड, उसमें आप लिख सकते हो यू आर फॉरबिडन टू, ये अपने पास से लिखना है, जैसे हमने यू आर एडवाइज्ड टू अपने पास से लिखा था, लिख देना है यू आर फॉरबिडन टू, कहां जब कोई चीज मना की गई हो, यू आर फॉरबिडन टू, किसके लिए मना किया गया है, डोंट रन फास्ट, तेज मत चलो, तेज मत दौड़ो, तो इसके लिए मना किया गया ना, तो डू नॉट छोड़ दो, बाकी का लिख दो, यू आर फॉरबिडन टू रन फास्ट। फॉरबिडन का मीनिंग होता है मना, आपको मना किया गया है तेज दौड़ने से। तो उम्मीद है कि ये भी आपको तरीका पसंद आ गया होगा। एक और इसका है, आप मना किया गया है तो हमें शिक्षा भी दी गई है, उससे भी आप बना सकते हो, कैसे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, जब मना किया गया एडवाइज्ड करना है तो नॉट टू, किसके लिए नहीं, रन फर्स्ट, नॉट टू रन फर्स्ट। अगर ये आपको तरीका अच्छा लगता है एडवाइज वाला तो ये भी अपना सकते हो, लेकिन यहां नॉट टू करना है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रन फास्ट। और फॉरबिडन में साफ इसके बीच ही आ गया, मना शब्द में ही नावाचक आ गया, नॉट आ गया, तो इसमें और नॉट नहीं लगाना। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां देखिए आप रूल, अगर लेट वाला सॉल्व करना है तो उसका रूल है लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है जी, फार्मूला आपको पता लग गया। अब ये दूसरे फार्मूले के ही हैं सभी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसके बाद जो वाक्य होगा वो लिख देना है, यू आर ऑर्डर टू, जो इसके बाद वाक्य दिया होगा एक्टिव वॉइस में दिया होगा वो सारा लिख देना है, यू आर एडवाइज टू, तो इसमें भी हमने जो एक्टिव वॉइस में वाक्य आया हुआ होगा वो लिख देना है, ये अपनी तरफ से लिखना है। ऐसे ही अगर मना किया गया है, यू आर फॉरबिडन टू, तो इसके बाद जिस बात के लिए मना किया गया है, जैसे यहां किया गया कहा था कि डोंट रन फास्ट, तो डू नॉट को छोड़ दो, रन फास्ट लिख दो बस। अगर इसका हमने मना करने वाले वाक्य में बनाना है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, फिर उसके बाद, जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर वाक्य हो डू नॉट प्लक द फ्लावर, डू नॉट प्लक द फ्लावर, तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लक द फ्लावर, इस तरह। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो जाती है लेकिन बात समझ आ जाती है, तो आप शेयर भी लाजमी करोगे, क्योंकि जब आपको अच्छी लगी है, आपका कुछ भला हुआ है, तो दूसरों का भी भला करोगे, सरबत का भला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।